सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ओप्पो रेनो 5 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों सब कुछ मालूम चल चुका है। आप दोस्तों सोचा कि आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के सब कुछ बता दूं, कब ये दोस्तों लॉन्च होंगे, किस प्राइस पे लॉन्च होंगे, हैंड्स ऑन वीडियोस भी आ चुके हैं दोस्तों, सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और इंडिया में कब लॉन्च होंगे सब बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी सब लोग इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों Vivo X60 Pro के ऊपर मैं एक वीडियो बना के अपलोड किया था, जहां पर दोस्तों मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, कब लॉन्च होगा, कैसा दिखता है, सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से आपको ओप्पो रेनो 5 के बारे में सब कुछ बताता हूं। यहां पर आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 20x9 पे स्मार्टफोन बेस्ड होगा। 430 nits का आपको टिपिकल ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको दोस्तों कोई हाईर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट ही रहेगा। ये बात मेरे को अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट यहाँ पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। एमोलेड स्क्रीन में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 60 हर्ट्ज दे दिया, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों बात कर ले कैमरास के बारे में, तो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगा। 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। सेल्फी की बात कर ले तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा, वो भी वाइड एंगल लेंस रहेगा पंच होल डिस्प्ले के साथ। पंच होल काफी देखने में छोटा लगता है, देखने में स्मार्टफोन वैसे बहुत अच्छा है। अगर दोस्तों बैटरी सेक्शन की बात कर ले तो 4300 mAh का बैटरी मिलेगा, 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों थोड़ी और स्पेक्स की बात कर ले तो UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा, LPDDR4X रैम के साथ आएगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को आपको मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छे स्पेक्स हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 765G देखने को मिलेगा, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 620 के GPU के साथ आता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आपके सारे टास्क को आराम से ये कर देगा, काफी पावरफुल प्रोसेसर है ये, तो परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, मस्त प्रोसेसर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, कलर ओएस 11 पे रन करेगा, तो ये बात भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल जा रहे हैं हम लोगों को। अगर दोस्तों बात कर ले बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, ग्लास फ्रंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है उसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं चला है कि गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आएगा कि गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आएगा। मेरे को लगता है दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 भी आपको देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम भी देखने को मिलेगा, तो स्मार्टफोन काफी ड्यूरेबल है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। कलर जो दोस्तों है ना ओप्पो रेनो के, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, देखने में स्मार्टफोन काफी अमेजिंग लगता है। प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में दोस्तों मैं आखिर में बताऊंगा, दोनों स्मार्टफोन का एक साथ बता दूंगा आपको। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, 500 nits का टिपिकल ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहे हैं, और दोस्तों स्क्रीन काफी अच्छा होगा ओप्पो रेनो 5 प्रो का, क्योंकि HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर कलर्स बहुत अच्छे होंगे, डिस्प्ले काफी ब्राइट होगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जा रहा है एमोलेड स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट की वजह से बहुत अच्छा स्मूथनेस महसूस होगा, ऊपर से एमोलेड स्क्रीन है, तो स्क्रीन इसका काफी अच्छा लगा मेरे को। अगर दोस्तों बात कर ले थोड़ी और स्पेक्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको 90.5x9 पे लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, 393 का PPI होगा, और दोस्तों कोने से स्मार्टफोन थोड़ा थोड़ा मुड़ा रहेगा, तो देखने में डिस्प्ले काफी अच्छा लगता है, और दोस्तों स्मार्टफोन भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आपको ओप्पो रेनो 5 देखने को मिलता है, थोड़ा सा चेंजेस होगा कलर्स का, अदरवाइज बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। अगर दोस्तों कैमरास की बात कर ले तो कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किया गया, ये बात मेरे को अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट कैमरास चेंज करने चाहिए थे थोड़े से, क्योंकि ये प्रो वेरिएंट है। 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। सेल्फी की बात कर ले तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा पंच होल डिस्प्ले के साथ, तो काफी छोटा होगा। बैटरी सेक्शन की बात कर ले तो 4300 mAh का बैटरी रहेगा, 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बैटरी सेक्शन में कोई भी चेंजेस किए नहीं गए, फिर भी ठीक है, 65 वॉट का चार्जर है, हम लोग संतुष्ट हैं इससे। अगर दोस्तों बात कर ले परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको MediaTek का फ्लैक्सी प्रोसेसर देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 1000 प्लस, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माली G77 MC9 GPU देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों स्नैपड्रैगन की भाषा में कहूँ तो स्नैपड्रैगन का 855 है ना, उसके आसपास का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है।
परफॉर्मेंस वाइज आपको दोस्तों डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, 90Hz रिफ्रेश रेट है, एमोलेड स्क्रीन है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है, काफी स्मूथ स्मार्टफोन वर्क करेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको डे टू डे लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी फास्ट चलेगा स्मार्टफोन, फ्लैक्सी प्रोसेसर है तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेरे को, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ग्लास बैक के साथ आएगा, ग्लास फ्रंट होगा और दोस्तों एल्यूमिनियम फ्रेम भी देखने को मिलेगा, तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, कलर ओएस 11 पे रन करेगा। और दोस्तों अगर थोड़े और स्पेक्स की बात कर लें तो UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR4X रैम भी देखने को मिलेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा, तो स्पेक्स बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ पर कैमरास थोड़े चेंज कर देने चाहिए थे, क्योंकि दोस्तों प्रो वेरिएंट हम लोग बाई कर रहे हैं, कैमरास थोड़ा चेंज करना चाहिए था, बस प्रोसेसर ही चेंज कर दिया गया है और डिस्प्ले थोड़ा दोस्तों यहाँ पर और अच्छा कर दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है ओप्पो रेनो 5 की तरह। प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात कर ले तो ये दोनों स्मार्टफोन चाइनीज वेबसाइट पे लीक हो गए थे, प्राइस बाहर आ गया था, ऑफिशियल प्राइस आप कह सकते हो, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। रेनो 5 का अगर दोस्तों बात कर ले तो 8.28 की अगर बात करें तो 37,250 रुपए का दिखाई देगा, 12 प्लस 256 आपको 41,766 रुपए का दिखाई देगा, तो प्राइस बहुत अच्छा लगा मेरे को, 37,000 रुपए में आपको रेनो 5 मिल जा रहा है, तो प्राइस ठीक ठाक है, इंडिया में आएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा कि कम हो, लेकिन दोस्तों ओप्पो का कोई भरोसा नहीं है, प्राइस बढ़ा भी सकता है। अगर दोस्तों बात कर ले ओप्पो रेनो 5 प्रो के प्राइस के बारे में तो 8 प्लस 128GB आपको 44,024 रुपए का दिखाई देगा, 12 प्लस 256GB आपको दोस्तों 48,540 रुपए का दिखाई देगा, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लगा मेरे को, 45,000 रुपए में तो 1 प्लस 80 देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर इंडिया में आएगा तो प्राइस थोड़ा इंक्रीज होता ही होता है, ज्यादातर चांसेस यही होता है, 44,000 रुपए आप दोस्तों ओप्पो रेनो 5 प्रो की तरफ मत जाइए, ओप्पो रेनो 5 मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, 37,000 रुपए में आपको ठीक ठाक स्पेक्स दे देता है और इतने सारे अपग्रेड्स नहीं हो रहे हैं 5 प्रो में जो कि दोस्तों हम लोग 44,000 रुपए पे कर दें, तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा ओप्पो को सोच समझ के रखना पड़ेगा इंडिया में अगर दोस्तों लॉन्च हुआ तो दोस्तों देखो यार अगर आप मेरे से पूछोगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सही है तो ओप्पो रेनो 5 के लिए दोस्तों वेट कर लो, 37,000 रुपए में आपको ठीक ठाक स्पेक्स दे देता है और दोस्तों यहाँ पर इतने अपग्रेडमेंट्स नहीं हो रहे हैं कि आप जाके 5 प्रो ले लोगे, ठीक है 5 बेस्ट है, प्राइस भी उसका सही है। अब इंडिया में कब लॉन्च होंगे इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 10 दिसंबर को चाइना में लॉन्च हो जाएंगे, इंडिया में मे भी आपको दोस्तों जनवरी में लॉन्च होते हुए दिखाई दे दें, शायद जनवरी या फरवरी में, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। अगर इंडिया लॉन्च से दोस्तों कुछ भी खबर आया तो टेक न्यूज़ में आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों बस यही है ओप्पो रेनो 5 सीरीज, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको तुरंत से लाइक करो, चैनल पे अगर नया आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा लगता है, ओप्पो रेनो 5 या फिर दोस्तों ओप्पो रेनो 5 प्रो, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो, और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। जस्ट डू इट। You're tired of starting over. Stop giving up.